चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं। हे राम, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि आज है। देश को आजादी दिलाने में विशेष योगदान बापू का रहा और अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा उन्होंने सभी को प्रेरित किया। साथ ही सत्य और अहिंसा का मार्ग भी दिखाया। लोगों से कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो यकीनन अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। हिंसा में कुछ भी नहीं है, लेकिन अहिंसा के रास्ते बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। स्वतंत्रता के कुछ महीने के बाद ही देशवासियों को बापू छोड़कर चले गए थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या की थी और बापू की याद में आज पूरे देश में शहीद दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। आज भी उनके मूल्य और आदर्श प्रासंगिक है। देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियां, उनकी शिक्षा अहिंसा के तौर पर, एक अहिंसा के दूत के तौर पर न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी भारत के उन एक युग पुरुष के तौर पर उन्होंने जो अपनी पहचान देशवासियों के जहन में छोड़ी है। राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है, विशेष योगदान उनका रहा और साथ ही अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, भले ही उनके आंदोलनों की बात करें, उनके सरल व्यक्तित्व की बात करें, उनके लेखन की बात करें, उनकी पुस्तकों की बात करें, क्योंकि अपने लिखित पुस्तकों में भी उन्होंने पूरी जीवनी के बारे में एक जानकारी दी है और ये बताया है कि आने वाली भावी पीढ़ियां भी जब उनकी प्रेरक पुस्तकों को पढ़ेंगी, उनकी उन किताबों के जरिए उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगी, तो समझेंगी कि एक सरल इंसान किस तरह से ये समझ पाया कि देश में किस चीज की जरूरत है, आने वाले समय में अहिंसा का क्या महत्व हो सकता है और सत्य के साथ में अहिंसा का जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ है, वो भी लोगों को आगे के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 30 जनवरी है आज। 30 जनवरी 1948 को, यानी कि आज ही के दिन, नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और अंतिम शब्द जो गांधी जी के बापू के मुंह से निकले वो हे राम थे। और उन्हीं की याद में आज जगह जगह देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन्हें नमन किया जा रहा है, उन कार्यक्रमों के जरिए पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, राम धुनिया हो रही है, उन्हें भजन बहुत ज्यादा प्रिय थे तो भजन भी किए जा रहे हैं। तो आज बापू की याद में पूरे देश में शहीद दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है और उनके मूल्य और आदर्श आज के समय में भी प्रासंगिक है। बारिश के बाद अब शीतलहर का प्रकोप है। राजधानी जयपुर में तेज शीतलहर चल रही है। प्रदेश में शीतलहर से सर्दी एक बार फिर से बढ़ी है। लोगों को ठिठुरन एक बार फिर से महसूस होने लगी है। मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। साथ ही बता दें कि बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट भी पहले था। दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, इसके अलावा बारा, झालावाड़, बूंदी और करौली जिलों में बारिश की संभावना है। आगामी 2 से 3 घंटे बारिश की संभावना है, क्योंकि आसमान में जब राजधानी जयपुर में जयपुरवासी देख रहे हैं तो काला एक अंधेरा सा नजर आ रहा है, एक काले बादल नजर आ रहे हैं और ये अंदेशा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आने वाले 2 से 3 घंटे बारिश तेज हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, करौली जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए जो प्रशासन है उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है। विजिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए बहुत जरूरी ज्यादा हो तो ही नहीं, लेकिन बच्चों के लिए अलग अलग जिलों में चूंकि छुट्टियां पहले की गई है, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए अब यही संभावना है कि हो सकता है कि आने वाले मौसम खराबी को देखते हुए छोटे बच्चों के अवकाश को लेकर के एक विचार फिर से किया जाए, क्योंकि आगामी 2 से 3 घंटे बारिश की संभावना है। हालांकि कल और आज के लिए अलर्ट था। 29 तारीख को बारिश दिन भर बरसती रही। इसके अलावा प्रदेश के 13 अन्य ऐसे जिले हैं जहां पर भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। चक दे इंडिया, भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से पटखनी दी है। भारत महिला क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ा क्षण ये रहा, क्योंकि ये ट्रॉफी जब उन्होंने हाथ में उठाई तो पूरे देश में वो तस्वीर जब पहुंची, एक गौरव की अनुभूति हुई। महिला टीम थी और महिला टीम ने जब अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को उठाया अपने हाथ में तो वो क्षण, वो लम्हा सभी के लिए बेहद खास हो गया। वो महिलाएं हों, पुरुष हों, जब ने भी वो देखा तो ये समझ में आ पाया कि मेहनत कितनी रही होगी और मेहनत में किसी तरह का जेंडर यहाँ पर काम नहीं आता, महिला हो पुरुष हो, लेकिन मेहनत जब होती है तो इक्वल होती है। इस T20 वर्ल्ड कप को जीतकर भारतीय महिला टीम ने यही साबित किया और चक दे इंडिया सुनाई दिया। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से पटखनी दी है। इंग्लैंड में भारत को 69 रन का लक्ष्य दिया था, ये इतना छोटा लक्ष्य था और भारत ने मात्र 3 विकेट खोकर इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया। 14 ओवर में भारत ने इस लक्ष्य को हासिल किया। बल्लेबाज सौम्या तिवारी ने विजयी रन बनाया और भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 68 रनों पर समेट दिया था। ये सिर्फ उतना कम स्कोर था कि आसानी से दो लोग भी अगर खेलते, दो प्लेयर्स भी अगर महिला टीम की ओर से खेलते
भारतीय महिला टीम की ओर से, क्रिकेट टीम की ओर से, तो आसानी से इसे ट्रेस कर सकते थे और हुआ भी यही। टी सांधू, पाश्री, अर्चना ने दो दो विकेट झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम गहलोत समेत नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी है, क्योंकि एक बड़ी ये उपलब्धि रही है भारतीय T20 अंडर 19 के लिए, उस खिताब को, उस मेडल, उस कप को जीतना। और साथ ही टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 5 करोड़ की घोषणा BCCI ने की है, एक बूस्ट, क्योंकि यहां पर ये जो धनराशि है उन टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए दी जाएगी जिन्होंने दिन रात इसको लेकर की कड़ी मेहनत की। और अब जब भारत में उनकी वापसी होगी और भारत जब पहुंचेंगे उसके बाद में और भी ज़्यादा खुशी यहां पर दोगुनी हो जाएगी और भारत में भी यहां पर उतनी ही खुशी मनाई जाएगी जितना कि अभी फोन पर बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री दे रहे हैं और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने ओर से उनको बधाई देते रहे। तो भारत में भी कर्मचारियों की छटनी हो रही है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियां छटनी की राह पर हैं। 70 स्टार्टअप ने 3 से 4 महीने के अगर डेटा को उठाकर देखा जाए तो बड़े तौर पर छटनियां की है। 21,000 से ज्यादा कर्मचारियों को कंपनियां निकाल चुकी है। आने वाले महीनों में जा सकती है और भी कर्मचारियों की नौकरी, क्योंकि कंपनियां आने वाले समय में और भी कर्मचारियों को निकाल सकती है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और उसके आसपास के जो बड़े देश हैं उनमें रिसेशन का एक दौर आया था जिसमें भारत और भारत की जो आर्थिक नीति थी उसके चलते भारत में बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ नहीं गई थी, लेकिन रिसेशन का यानी कि आने वाले दिनों में जो अर्थव्यवस्था में एक उतार चढ़ाव होगा उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर मुख्य मुद्दा ये है क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़ी है, स्टार्टअप कंपनियाँ बढ़ी है और स्टार्टअप कंपनियाँ अब कहीं ना कहीं उस बजट को मेंटेन करना या तमाम चीज़ों को, एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कटिंग भी कर रही है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियां छटनी की राह पर है और बीते 3 से 4 महीने का अगर डेटा देखा जाए तो 70 स्टार्टअप्स तो ऐसे चिन्हित हैं, यानी कि 70 स्टार्टअप कंपनियां ऐसे चिन्हित हैं जिन्होंने बड़े तौर पर अपने कर्मचारियों की छटनी की है। 21,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इन 3 से 4 महीनों में ही स्टार्टअप्स से निकाल दिया गया है। आने वाले महीनों में और भी ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती है और इसको लेकर एक डर भी है, क्योंकि नौकरियों की सिक्योरिटी की वजह से आज इनका को चलाना एक आसान टास्क हो जाता है, लेकिन जब नौकरियां ही सिक्योर नहीं हो और कर्मचारियों की जॉब के साथ में अगर जॉब करते हुए उन्हें निकाल दिया जाए स्टार्टअप्स के जरिए तो फिर एक भार भविष्य के लिए संचय है। लेकिन आने वाले समय में और भी ज्यादा कर्मचारियों की छटनियां स्टार्टअप्स के सेक्टर में हो सकती है। तो इन दिनों दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज इस तरह का बना है कि ना सिर्फ सेलिब्रिटीज बल्कि आम लोग भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने आतुर नजर आते हैं और दुनिया भर के अमीरों के साथ भारतीय भी इसमें पीछे नहीं रहे। 7 साल की अगर बात करें तो 1.86 लाख यानी कि 1.86 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भारतीयों ने दुबई में खरीदी है। ब्रिटेन और रूस के बाद भारत के लोग तीसरे पायदान पर, तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर इतनी बड़ी रकम अब तक चुका चुके हैं भारतीय दुबई में किसी भी प्रॉपर्टी के इन्वेस्ट के लिए। लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में भारतीय टॉप पर है। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने वाला 10 साल बिना वीजा के रह सकता है। वहां की अत्याधुनिक सुविधाएं, वहां की बिल्डिंग्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीयों को भी इतना ज्यादा रास आ रहा है कि वो चाहते हैं कि वहां पर एक प्रॉपर्टी सभी की होनी चाहिए। और जो यहां प्रॉपर्टी खरीदने का सिलसिला है वो इस तरह बढ़ा है कि अब भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गया है वहां पर इन्वेस्ट के जरिए, क्योंकि प्रॉपर्टी वहां पर जब खरीदी जा रही है तो भारत टॉप पर भी जल्द ही पहुंचेगा, क्योंकि यहां लग्जरी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में भारत ऑलरेडी टॉप पर है। यहां प्रॉपर्टी खरीदने वाला 10 साल बिना वीजा के रह सकता है। तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है और यहाँ के साथ साथ वहाँ पर भी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो लोगों को इस चीज़ की उम्मीद है कि समय के साथ में वो इन्वेस्टमेंट उनको लाभ भी देगा।